नमस्कार किसान भाइयों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिर्च में लगने वाले थ्रिप्स कीट के बारे में बताऊंगा। जो थ्रिप्स का सिम्टम्स है और लीफ कर्ल का सिम्टम्स है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। सिम्टम्स दिखने को एक जैसे दिखता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं थ्रिप्स में जिस वजह से इसको पहचानना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पहचानेंगे। जैसा कि आपको बता दूं, थ्रिप्स में क्या होता है, जब जो थ्रिप्स है सकिंग टाइप इंसेक्ट है, जब ये पत्ती के ऊपर की सतह को सक करता है, उसके ऊपर के सेल को चूसता है, तो ये पत्ती जो है नाव की तरह, जैसे ये पत्ती है नाव की तरह ऊपर ऐसे मुड़ने लगेगा। इसकी विशेष पहचान है। इसमें दूसरा एक कीड़ा रहता है माइट्स, जिसको माइट्स बोलते हैं। उसकी विशेष पहचान ये है कि जैसे पत्ती है वो उल्टा मुड़ने लगेगा, उल्टे नाव की तरह है। तो थ्रिप्स और माइट्स को पहचानने के लिए ये मैं अंतर बता दिया। और लीफ कर्ल जो होता है वो भी थ्रिप्स के जैसे होता है। थ्रिप्स का जो साइज है वो 2 से 3 mm होता है, बहुत ही छोटा साइज है थ्रिप्स का। इसको देखने में बहुत ज्यादा समस्या होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो पत्ती है ये माइट्स का अटैक है। पीछे देखिए, ये दिख रहा है, ये माइट्स का सिम्टम्स है। इस वजह से जो पत्ती है उल्टा मुड़ा हुआ है, मतलब ये उल्टा नाव की जैसे दिख रहा है। अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि ये थ्रिप्स का सिम्टम्स क्या है, तो आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए ये थ्रिप्स का सिम्टम्स है। पत्ती ऊपर की तरह मुड़ा हुआ है और इसमें जो है मल तो नहीं है, और जो थ्रिप्स है ये सक करके चला गया है। थ्रिप्स यहाँ पे नहीं है अभी, ये थ्रिप्स आपको और दिखा देंगे, फूल में मिल जाएगा आपको थ्रिप्स। हमारे इसमें ब्लैक कलर में है थ्रिप्स, इसमें अटैक किया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है थ्रिप्स इसमें अपना मल छोड़ के गया है इस मिर्च के पत्ती में। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है, ये थ्रिप्स का है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमको अपने फील्ड के किनारे में एक पीले रंग का या नीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगा कर रखना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ सिंह राठौर सीएम की सेवा केंद्र लालपुर से। आज हम आपको थ्रिप्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि अखिल भाई ने हमको थ्रिप्स के बारे में सारी जानकारियां दी, मैं सिर्फ अब आपको थ्रिप्स के मेजर कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगे, जिससे थ्रिप्स कंट्रोल में हो जाएगा। जैसा कि अपन मिर्ची के थ्रिप्स के लिए बायो प्रोडक्ट अगर यूज करना चाहते हैं, अपन बायो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सबसे बेहतरीन दवाई अगर कहना चाहिए बायो प्रोडक्ट में, जो किसानों का पसंदीदा होता है, सबसे फर्स्ट टाइम में आया था तो चीनी कम के नाम से आया था एक दवाई, जो आजकल चिली एक्स्ट्रा के नाम से आता है। उसकी 20 ml की एक पैकेट होती है चिली एक्स्ट्रा, प्लस एक उस पर बायो का ही ऑर्गेनिक मेन्यूर का एक प्रोडक्ट होता है बायोसेल। तो चिली एक्स्ट्रा बायोसेल करके एक प्रोडक्ट है, जिसमें थ्रिप्स और माइट्स दोनों कंट्रोल होती है, जो मिर्ची की फसल में शानदार रिजल्ट है और किसानों का पसंदीदा है। अगर मिर्ची की खेती में हमारे एरिया में जनरल समस्या अगर थ्रिप्स और माइट्स की आती है, तो किसानों को सबसे पहले याद आती है चिली एक्स्ट्रा बायोसेल। ये बहुत ही कॉमन दवाई है। इसके अलावा अगर अपन केमिकल में जाते हैं, तो थ्रिप्स के लिए अपने को सबसे शानदार दवाई मिलती है BSF की इंट्रापिड। ये बहुत ही शानदार दवाई है, SC फार्मूला में ये दवाई होती है, और इसका 30 ml पर टंकी स्प्रे से 30 से 40 ml स्प्रे करना चाहिए 16 लीटर के टैंक में। मिर्ची की थ्रिप्स के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलती है। इसके अलावा हमारे पास ईसा एग्रो की आती है मिट्टी गेट, इसका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इसका भी 30 से 35 ml 16 लीटर पानी में स्प्रे करने से थ्रिप्स की बहुत ही अच्छी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा बायर का रिजेंट SC, जिसका 30 से 40 ml प्लस एडमायर की 2 ग्राम की 2 पाउच लगभग 4 ग्राम 16 लीटर वाटर में मिला के स्प्रे करने से थ्रिप्स की बहुत ही अच्छी कंट्रोल होती है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल थ्रिप्स पे। अभी वर्तमान में इसी साल 2021 में मिर्च की खेती में एक ब्लैक थ्रिप्स का बहुत भयानक अटैक हुआ है। ब्लैक थ्रिप्स बोले तो मिर्ची खेती में ऐसे जैसे ह्यूमन लाइफ में कोरोना वायरस आया। एक ऐसी थ्रिप्स है जो मतलब अपन लोकल नॉलेज में बताते हैं कि अमेरिकन थ्रिप्स है, अमेरिका से आई है। इसको पॉइंसेटा थ्रिप्स भी बोलते हैं। ये थ्रिप्स बहुत ही जटिल थ्रिप्स है। इसके आने से पूरी मिर्च की फसल, इवन हमारे छत्तीसगढ़ में तो पूरी मिर्च की फसल ही चौपट हो गई है।
नवभारत न्यूज के हिसाब से लगभग 350 करोड़ का लगभग मिर्च की फसल का हानि केवल छत्तीसगढ़ में हुई है। इतनी भयानक ये ब्लैक थ्रिप्स है, ये एकदम एज अ कोरोना वायरस जैसे इसकी कोई दवाई नहीं है। अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार की इसकी कोई दवाई बन नहीं पाई है। ये मिर्ची के फूलों में ज़्यादा दिखती है और अगर अधिक संख्या में हो गई तो ये फल में आती है और फल और पूरी फूल पत्तियाँ सबको चूस के एकदम बैठाती है, जस्ट लाइक ये इस टाइप से बैठाते जाती है और पूरा धीरे 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 काला हो जाएगा और बैठा जाती है। तो इसके इलाज के लिए वर्तमान में अपन कोई भी दवाई डालते हैं उसके साथ नीम तेल कंपलसरी करते हैं, जिससे पत्तियों में थोड़ा सा एक नीम की खुशबू कड़वाहट आता है जिससे ये शक नहीं कर पा रही है इसको। ये प्रिवेंटिव है भी, इसका कोई परमानेंट इलाज नीम तेल भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमको राहत मिल जाती है। और एक इलाज हमको और मिला है जो PI कंपनी का है किफन, उसका 500 ml का डोज है एक एकड़ में प्लस फास्माइट करके आया, उसका भी 500 ml की डोज है एक एकड़ 200 लीटर पानी में, उसका स्प्रे करने से कुछ कुछ थोड़ा बहुत राहत मिला है, लेकिन इसके अलावा इसका भी कोई परमानेंट इलाज नहीं बना है। वैज्ञानिक सोच चल रहा है, आगे जो भी कोई दवाई आएगी आपको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और हमारी भी मिर्ची की खेती जो इस साल है ब्लैक थ्रिप से बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हुई है, अपन रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए अखिल भाई के द्वारा या फिर मेरे स्वयं किसी सेवा केंद्र के माध्यम से आप यहाँ पे आके या फ़ोन पे मेरे से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।